अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो फ्रॉम जीके गोट फार्म। अस्सलामुअलैकुम गनी भाई, बर्बरों के वीडियो बनाए, पलाई के बारे में थोड़ी बात करेंगे इंशाल्लाह। पलाई का काम कैसा चल रहा, थोड़ा बताएं लोगों को। पलाई का पूरा फूल है, 5 माले का खाली है। अच्छा, मतलब 1 से 5 माले तक अपना ही राज है, बाकी जगह फूल है। सही है, तो जगह है ऊपर, है ना? जगह है। तो पलाई पे अभी कितने बकरे होंगे टोटल अपने पास? 50 बकरे ऊपर। ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि एग्जॉटिक बकरों का काफ़ी चलन है अभी साउथ मुंबई में। जैसे इम्पोर्टेड लाइन के काफ़ी बकरे आप लोग ला रहे हैं, सानिया लिया हो, पर्सनल टॉगन बग लिया हो, मेरा खुद का है, पर्सनल बच्चा लिया, दो दाते थोड़ा महंगा है, नॉट फॉर सेल हो, खुद के शौक के हिसाब से लिया मैंने। सही है। तो आपका रोज़ा तो था, पर अभी रात का टाइम है तो एक स्माइल तो बनती है आपकी, आप ऐसा लग रहा है कि अभी भी रोज़े में ही आप। ऐसी मजा नहीं है, इंशाल्लाह आप कभी आओ, तुम्हारे को टॉगन बग जो बोल रहे, थोड़े बकरे दिखाओ उनका क्या क्या चल रहा है ग्रोथ, वो बताओ। सबसे पहले वेनिला के बारे में बताओ आप, जो अल मेहताब गोल्ड फार्म का है माशाल्लाह। ये बकरा एक तरीके से गिव अवे करने वाले हैं ना, अल मेहताब गोल्ड फार्म। बापू भी है इधर। सलामुअलैकुम, कैसे आप? बस दुआ है भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सेम यार, आपके रील तो देखते रहते हम लोग, और काफ़ी फैन भी आपके रील के। सो इंस्टाग्राम के ऊपर आप लोग फॉलो कीजिए अल मेहताब गोट फार्म, माशाल्लाह। फॉलो करो, बढ़ रहे नहीं है फॉलोवर, अटक गए। नहीं नहीं, अभी बढ़ेंगे इंशाल्लाह भाई। लोग काफ़ी पसंद करते हैं आपके रील, और जो सेंस है बनाने का, एक स्टोरी लाइन दिखती है हर एक चीज़ में। सही है। तो एक तो पहले वनीला की बात करूँगा, क्योंकि आपने बोले थे कि भाई एक तरीके से गिव अवे करने वाले हैं, एक नॉमिनल अमाउंट लेंगे ताकि कुर्बानी भी पॉसिबल हो। लास्ट टाइम हाँ, तो वही है बकरा, माशाल्लाह अभी प्रोग्रेस आप निकाल सकते हो पहले के कंपेयर में और अभी के कंपेयर में। अभी है, कंपेयर कर लेना दोनों वीडियो। बकरा तो माशाल्लाह हो गया मेरे हिसाब से, आप लोग तो रोज़ देखते हैं तो आपको इतना नहीं समझ में आएगा। थोड़ा गनी भाई दिखाएंगे बकरा, ये खोलेंगे, खड़ा कर दे, खोलेंगे ऊपर से निकालना रस्सी। इसके अलावा और कैसी ग्रोथ चल रही है भाई सब बकरों के? भाई माशाल्लाह सब बकरे बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, जो अपने खुद के वो भी, जो पलाई के हैं वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। भाई बड़े से बड़े हिंदुस्तान के फार्म में भी ऐसे बकरे नहीं मिलते हैं। एक तरीके से जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, ये अंडरग्राउंड फार्मिंग है, जैसे एक अंडरग्राउंड रैपिंग की वर्ल्ड है, मतलब ओपन सीक्रेट है ये, लेकिन कहते हैं सीक्रेट एज इन ज़्यादा लोग को मालूम भी नहीं है, जिन लोगों को मालूम है वो लोग के लिए ओपन है। जो पहली बार नागपाड़ा भिंडी वाला डोंगरी आएगा तो शौक हो जाएगा, मतलब ये हो क्या रहा है। मैंने आपका जो बकरा है माशाल्लाह फाइनॉस, उसके साथ शकील भाई को लाया था, वो शौक हो गया। हालांकि दुनिया के बकरे बेचे होंगे उन्होंने, रोज एक ट्रक बकरे बेचने वाला भी बकरे देख के शौक हो गया। पूरे वर्ल्ड में इतने बड़ी सिंह का बकरा नहीं होगा, एक है वर्ल्ड में, गिनीज बुक में अभी फिलहाल, ऑल ओवर इंडिया बोल सकते हैं इसका। आप डालोगे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में? लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ट्राई कर रहे हैं, लिंक नहीं मिल रहा है कोई सोर्स जिससे कांटेक्ट करें। माशाल्लाह अभी 36 अपने इंडिया से, आई थिंक वो आरके भाई ने डाले थे कुछ, उनसे आई थिंक मालूम करेंगे तो होगा कुछ, बात करना है, मैं भी करूँगा आप अगर बोलेंगे तो। सही है। तो आइए वेनिला को दिखाते हैं आपको, बकरा देखे आप माशाल्लाह। हाँ हाँ, फुल प्लेफुल भी हो गया बापू, प्लेफुल है माशाल्लाह, एक्टिव हो गया। अच्छा, पहले का तो बच्चा था थोड़ा, अब मैच्योरिटी आ रही है उसमें, तो एक्टिव भी हो गया है, मस्ती भी करता है थोड़ा, वो लड़ता भी है। सही है। चलिए तो ये एक देख लिया हमने, वाह मज़ा आ गया, इसकी एक बना लेना इसी रील। सही है, रील भी बनाएंगे इंशाल्लाह, अभी पहले वीडियो कंप्लीट कर लो। आपके एक न्यू इंट्री दिखाना चाहोगे कि बाद में दिखाएंगे? नहीं दिखाते ना, न्यू एंट्री लिया हूँ, ये देखो गनी भाई आइए आप। ये एक सानिन है, बहुत बड़ी फ्रेम में, अभी बेचारा बच्चा थोड़ा तकलीफ में है, इंशाल्लाह जब प्योर हो जाएगा एक फुल इसकी वीडियो बनाएंगे सेपरेट, यूनिक है एकदम, काली सीन में बड़े फर्मे में। गनी भाई से लिया हो ये बकरा? ये बकरे का आपको शायद नहीं मालूम हो, मैंने पहले वीडियो बनाया 2 साल पहले। हाँ, बगीरा है ना? हाँ बगीरा है, बचपन से इसको देखे हम लोग ने भी, लेकिन इसने बाद आउटस्टैंडिंग फ्रेम लिया, उन लोगों ने बहुत मेहनत की, जिलों का था ना बगीरा टीम बगीरा, बहुत मेहनत की है भाई, तकलीफ में नहीं है बच्चा, थोड़ा सा तकलीफ में है मतलब, लेकिन वो जो है वो तो रहेगा ही। सही है, आगे के पाँव में तकलीफ आ गई। ये बकरा जिसको नहीं मालूम आते बता दूं कि ब्लैक सिंह में सानियन, हाँ,
वाह चेहरा देखो आप, बड़े मुंह का, वो जो लोलक बोलते ना जो इम्पोर्ट में आती है। अच्छा बापू इसको इम्पोर्ट बोल सकते हैं? बोलते हैं भाई इम्पोर्ट, लेकिन अब कैसे आए देखो लोलक है इसको, इसको इम्पोर्ट बोलते हैं। कहीं ना कोई कोई ऐसी चीजें हैं इसमें जो देख के ऐसा लगता है कि इम्पोर्ट है ही है। जैसे इसका चेहरा देखो ना, नॉर्मल सारे तो बहुत बड़ा मुँह है हाँ। और चौड़े मुँह का है, फिर ये जो लोलक आई है वो जो फर्मा आया है, ऐसा लगता है कि हाँ ये इम्पोर्ट अगर है तो अपना पहला इम्पोर्ट है मेरा, सही है जो मैंने लिया। और आप ऐसी चीज दिखाएंगे जो इम्पोर्ट को भी हरा दे। आइए मैं चाहता हूँ ये फ्रेम में आप आए गनी भाई, आप भी माशाल्लाह। बापू आप भी आइए अब्दुल्ला, एक बार आप ये भाई पहले बोर्ड दिखा दो। नज़ारा भाई कोई कॉल नहीं, 6 लाख लग चुके हैं गनी भाई। गनी भाई 4 लाख का वगैरह बेचे हैं तो मैं बोला 6 लाख तो इसके लग चुके हैं। लगे तो मैं दिखा दो गनी। वाह अल्लाह नजर बच से बचाए, चीज देखे। 3 फुट की कर लिया अब्दुल्ला, यहाँ पीछे जाओ। माशाल्लाह वाह बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, माशाल्लाह मजा आ गया। आ जाओ अब्दुल्ला इधर आ जाओ समाज में। गनी भाई पलाई के लिए आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। बापू आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा आप शौक बढ़ाते हैं लोगों का और हमारा भी शौक, हमारा भी शौक आपके वजह से बढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह। सही है गनी भाई, आपका नंबर दे दे पलाई के लिए। 6199348 बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।